सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गिरते हुए पत्ते भी बताना चाहते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देख कर लिए फैसले हमेशा दुखी देते हैं। भगवान अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता और भगवान जिसे छीन ले वो उसे कोई दे नहीं सकता। आज का पंचांग 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र शाम 7:55 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:45 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन अर्थात सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर माता काल रात्रि की कृपा बनी रहे। कन्या राशि 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, आप बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचत करते आ रही हैं। आज कोई ऐसी खुशी की खबर मिलेगी जो आपके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू ले आएगी। आज पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे। समय मजे में बीतेगा लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। परिवार के साथ बिताया समय आपको शांति देगा। घरेलू चिंताओं को दूर करें। मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आपके ध्यान और धन की आवश्यकता हो सकती है। जो लोग आपकी देखभाल करते हैं उनकी देखभाल के लिए भी समय निकालें। घर वास्तव में वो है जहां अभी आपका दिल है। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण होने के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सके और समस्याओं को हल कर सके। उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगे। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। जो लोग आपके करीब हैं, वे आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। आज आप खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर महसूस करेंगे। इस लिहाज से आज के दिन बहुत खूबसूरत रहेगा। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना चाहिए, नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है लेकिन आप आज महसूस करेंगे कि यह मुश्किल है। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। अपनी कार्य क्षमता द्वारा किसी भी कार्य को हल करने में सक्षम रहेंगे। इस समय अपना पूरा ध्यान पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। आपको फायदा होगा। किसी समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। दूसरों के विचार और निर्णय पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने बातों पर टिके रहें जब तक नकारात्मक विचारों को छोड़ न दें। जिन समस्याओं के बारे में आप विचार कर रहे हैं उनके हल मिल सकते हैं। काम में आ रहे बदलावों को समझने में वक्त लगेगा। रिलेशनशिप संबंधित निर्णय सही तरीके से लेने की कोशिश करें। अन्य लोगों की अपेक्षाओं को फिलहाल महत्व न दें। बीती संबंधित तकलीफ न बढ़े इस बात का ध्यान रखें। घर में चल रहे विवादित मामले सुलझेंगे। कुछ समय अपनी रुचि के कार्यों में व्यतीत करें। राजनीति मामलों में आप सहजता और लचीलेपन से परिपूर्ण रहेंगे। संतान के सुंदर भविष्य की योजना बनेगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावधानियां, आज कोई भी अहम फैसला लेने के बजाय आगे के लिए टाल दें। पैसा आने के साथ साथ व्यय की स्थिति भी रहेगी। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही बिन मांगे सलाह दें। किसी नजदीकी मित्र से संबंध खराब हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की।
आप तुच्छ मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं और बढ़ते बढ़ते अब उनका ढेर लग गया है। आज आप अपने आप को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मामले अब जटिल हो गए हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत की जाए। आप आमने सामने बैठकर वार्तालाप करें। दिन के अंत तक आप अपनी साथी के साथ बैठकर सहज महसूस करेंगी। दिल के मुद्दे को लेकर असुरक्षित महसूस करेंगी। रिश्तों में प्रेम को कभी कम ना होने दें। इसके साथ ही विश्वास इसे और भी मजबूत करता है। इस खास के लिए कुछ खास जरूर करें ताकि वो आपके जीवन में अपनी महत्व को जान सके। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपनी साथी का हाथ थाम का सारा जहां जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी जिससे कुछ उदासीन महसूस करेंगी। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलतफहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह समय मुश्किल जरूर है किंतु समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। घरेलू जीवन में एक के बाद एक परेशानी रहेगी परंतु किसी को संभालने का दायित्व भी आपको ही निभाना होगा। प्रेम संबंधों के मामलों में कुछ निराशा ही रह सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं करियर की। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला लिया है, एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपनी लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस समय आप में से कुछ लोग नई जगह और नए आधार कार्य का मजा ले रही हैं। कृषि या प्रकृति से संबंधित क्षेत्र में करियर बनाना आपके लिए लाभदायक होगा। प्रयास करें और हर प्रयास का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। आज आप जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों महसूस करेंगे। नीतियों और शोधों को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है, मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें। व्यवसाय में नए प्रस्ताव मिलेंगे लेकिन व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में सामर्थ्य से ज्यादा निवेश करने से बचें। मेहनत के अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे। सरकारी सेवारत लोगों को ट्रांसफर संबंधित कोई मन मुताबिक समाचार मिलने से खुशी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। मानसिक तनाव की वजह से थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। योग और मेडिटेशन पर अधिक ध्यान दें। ग्रहों के इस स्थिति में आपका पूरा फोकस फिट रहने पर है। आप खुद को फिट रखने के लिए उत्साहित हैं। आपके योग में भी रुचि है। आप अपनी स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा को पहचान भी रहे हैं। एक बार में एक ही कदम उठाएं, चाहे खाना हो या मजे लेनी हो। स्वास्थ्य कर विकल्प ही चुनें, पार्टी करें या काम। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आज का उपाय। आज आप माता काली को 21 नींबुओं की माला अपने हाथों से काले धागे में बांधकर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।